हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति, एचओडी बायो ऑफ कोटा क्लासेस। और आज की जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्लस टू की प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, जिसको कॉमन हम बुलाते हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स की टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स के तीन पार्ट्स आते हैं, एक प्रिंसिपल बेसिस, एक मॉलिकुलर बेसिस और एक जो होता है वो पॉपुलेशन बेसिस पे जाता है। तो हमने जो पढ़नी है वो आज की टॉपिक है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर में आपके वेरियस बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे, अलग अलग टर्मोलॉजीज आएंगी, आपने अलग अलग टर्म्स पे इसके क्वेश्चंस निकालने, मतलब एक तरह का हमारा मैथमेटिकल चैप्टर स्टार्ट होता है। इस मैथमेटिकल चैप्टर में बड़ी ही यूनिक बात है, हमें केवल टू का टेबल आना चाहिए, मेनली टू के टेबल के हिसाब से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन वो भी हम टू का टेबल स्किप कर जाते हैं, गलत कर देते हैं, पावर्स लगाने होते हैं वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर में अलग अलग टर्म्स आज पढ़ने को मिलेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं बेटा, इस चैप्टर और अदर चैप्टर्स के लिए या फुल सिलेबस के लिए आपको कोटा क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अब हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो, जेनेटिक्स के तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जेनेटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले टर्मोलॉजीज आती हैं। टर्मोलॉजीज में जेनेटिक्स क्या था, जेनेटिक्स के पहले का टर्म क्या था और जेनेटिक्स के बाद का क्या आया, दैट इज प्री मेंडेलियन। पहले और बाद मतलब सारी कहानी तो हमारी मेंडल पे आके रुकती है, लेकिन मेंडल से पहले भी साइंटिस्ट थे और मेंडल के बाद भी थे। अब हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और इसको पूरे एडवांस लेवल की, क्वेश्चन का पता नहीं वो क्वेश्चन कहाँ से चला आए, तो जो बिल्कुल कह सकते हैं ना नीट एस्पिरेंट्स या फिर प्लस टू में बिल्कुल बेसिक अभी सोच रहे नहीं हम कहाँ से शुरुआत करें, तो बच्चे वो शुरुआत जहां से आप यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो जेनेटिक्स के बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उनकी टर्मोलॉजीज से, कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टर्म सुनने और देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स, ये नाम किसने दिया? टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय विलियम बैटसन। टर्म जेनेटिक्स विलियम बैटसन ने दिया था। What is genetics? Genetics is the study of heredity and variation. Genetics क्या है? तो genetics heredity और variation के study को कहते हैं। Then what is heredity and what is variation? Heredity किसे कहेंगे और variation किसे कहेंगे? बच्चे heredity जो हमारे अंदर characters होते हैं that can transfer from one generation to next, वो कैरेक्टर जो हमारे पास हैं, ये कैरेक्टर अगर नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं दैट इज नोन एज हेरिडिटी। वाइल अगर आपसे वेरिएशन की बात करते हैं तो हम जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें जो स्लाइट सम डिफरेंसेस आर सीन, जो हमारे में कुछ डिफरेंस दिखाई देते हैं, दीज डिफरेंस आर नोन एज वेरिएशन। इस डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हेरिडिटी हमारे कैरेक्टर के ट्रांसमिशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इट इज बेस्ड ऑन, ये लाइन लिखी है, लाइक बिगेट्स लाइक। व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब है? कैरेक्टर विच आर ट्रांसफर फ्रॉम, जो हमारे पास है वही सेम आगे पास करता है, That is like begets like. Clear आया? Next, variation. Difference occur in different in member of same species. अभी मैंने आपको example दिया, हम जो species हैं हमारे अंदर जो differences दिखाई देते हैं, these differences are named as variation. Father of genetics. Father of genetics, देखो आपके एक number का question direct बनता है, That is G.J. Mendel. G.J. Mendel, that is Gregor Johann Mendel. इनका पूरा नाम है ग्रिगर जोहान, नॉट जॉन, जोहान मेंडल। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछेगा, जीजे मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। वाइल विलियम बैटसन, जिन्होंने जेनेटिक्स का टर्म ही प्रपोज कराया था, ही इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, वो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर है एंड ऑल्सो गेव द टर्म।
उन्होंने ये सारे टर्म्स दिए थे. क्या टर्म्स दिया था? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड हेमीजाइगस. होमोजाइगस दैट इज प्योर. अगर मैं कैपिटल टीटी लिखती हूं या स्मॉल टीटी लिखती हूं, इसे कहते हैं होमोजाइगस. अगर हम ये ऐसे कंबाइंड करके लिखते हैं, इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस. और हेमीजाइगस का मतलब होता है दो कैरेक्टर्स अलग अलग लिए जाएं लेकिन अपना वो दोनों वैल्यू सेम दिखाएं, दैट इज हेमीजाइगस. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड ग्रुप ए बी की अगर मैं बात करूं, इट इज हेमीजाइगस. ए बी ब्लड ग्रुप में ए का भी उतना ही रोल है, बी का भी उतना ही रोल है, दैट इज हेमीजाइगस कंडीशन. हेट्रोजाइगस, टू डिफरेंट थिंग्स. होमोजाइगस, सिमिलर थिंग्स. आगे बढ़ते हैं टी एच मॉर्गन. ये टी एच मॉर्गन बेटा आपके नीट में आ रखा है, ये नीट सेक्शन में आया हुआ है. टी एच मॉर्गन इज द फादर ऑफ लिंकेज. ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं और इन्होंने क्या टर्म दिया था? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. मतलब लिंकेज, और लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आया था इनके स्टूडेंट स्ट्रुवेट का क्वेश्चन था. तो सिंपल, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो लिंकेज पे की थी और साथ में इनकी बुक का नाम आया था द थियोरी ऑफ जीन. अगर मैं इनकी और बात करूं, इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो था वो ड्रोसोफिला था. क्या था? ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला का अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्रोमोसोम नंबर क्या टिक लगाएंगे? 8. लेकिन क्रोमोसोम नंबर 8 में अगर हैप्लॉइड पूछेगा तो 4 को टिक लगाओगे. जो टीएच मॉर्गन थे ने, उन्होंने जो टेस्ट किया था वो ड्रोसोफिला के ऊपर टेस्ट किया था. नेक्स्ट आपके आते हैं ए गैरॉट. पूरा नाम आर्कियोबाल्ड गैरॉट, जिसे ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर कहते हैं. मैंने अभी जस्ट आपसे बात की थी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल, मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स. फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज आर्कियोबाल्ड गैरॉट. इन्होंने सबसे पहले जेनेटिकल और डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया को डिस्कवर्ड कराया था. कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था वो वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, और इनकी बुक का नाम था इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. लेकिन इसके अलावा भी और टर्म आते हैं. जीन, जीन क्या कहलाएगा? तो हम अपने टर्म में कहते हैं शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए. शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन. नेक्स्ट का टर्म आता है एलिल. एलिल, इट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है उसे हम क्या बुलाते हैं? एलिल बुलाते हैं. अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग टेस्ट करना स्टार्ट किया और अपनी अपनी सहमति अलग अलग वर्ड्स पे देना स्टार्ट किया. इन्होंने चार नाम प्रपोज किया था, एक्सॉन, इंट्रॉन, नेक्स्ट इज म्यूटॉन एंड लास्ट इज रिकॉन. एक्सॉन इज ऑल्सो नोन एज सिस्ट्रॉन हम कह सकते हैं. ये था फंक्शनल जीन. फंक्शनल जीन. इंट्रॉन्स बोले तो नॉन फंक्शनल जीन. नॉन फंक्शनल जीन. म्यूटॉन का नाम सुनते ही हम कह सकते हैं म्यूटेंट जीन. म्यूटेंट जीन. और रिकॉन का पूछे तो रिकॉम्बिनेंट जीन. ये थे पार्ट्स. बेंजर ने अलग अलग टर्म्स प्रपोज कराए थे, एक्सॉन, इंट्रॉन, म्यूटॉन एंड रिकॉन. दैट इज म्यूटेंट इज म्यूकॉन, रिकॉन इज रिकॉम्बिनेंट, नॉन फंक्शनल इज इंट्रॉन्स एंड लास्ट इज नेम्ड एज एक्सॉन, जिसे हम फंक्शनल जीन कहते हैं. एलील्स अगर आपसे पूछे, इट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन. व्हाट इज जीन? जीन इज द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. यही डीएनए की यूनिट भी कहलाती है. अब बात आती है मेंडलिज्म की. मेंडल, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो मेंडल दे रखा है.
मेंडल की कहानी की अगर मैं बात करूं तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रीगर जोहान मेंडल। मेंडल 1849 से 1854 तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद ये 1856 और 57 से लेकर 1863 सात से आठ साल के ड्यूरेशन में इनका एक्सपेरिमेंट चलता है किस पे, पी प्लांट पे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम। साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम सैटिवम। और आपसे अगर क्रोमोसोम नंबर पूछे तो 2n इज इक्वल टू 14 और n की वैल्यू आएगी 7। बहुत आसानी से आप कह सकते हो और ध्यान से समझना। फिर से मेंडल नॉर्मली कहते हैं ऑस्ट्रिया में इनका बर्थ हुआ था, सिलीशियन वो गांव का नाम था जहां पे इनका बर्थ हुआ, डिस्ट्रिक्ट ब्रुन कहलाती थी। इन्होंने वहां से बाहर निकल के अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एज अ टीचर टीचिंग डिपार्टमेंट पे इन्होंने काम किया। फिर ये मॉन्टेसरी में काम करने के लिए चले आए। इन्होंने वहां पर भी 14 साल तक काम किया, लेकिन दिमाग तो साइंटिस्ट का था, दिमाग साइंटिस्ट का था तो साइंटिफिकली वो काम भी चल रहा था। इन्होंने पी प्लांट पे काम करना स्टार्ट किया। लिया तो वेरियस प्लांट्स था लेकिन लास्ट में पी प्लांट पे ही आ गए। पी प्लांट पे इन्होंने अपने कैरेक्टर्स देखना स्टार्ट किए। क्या देखा? पी प्लांट पे इन्होंने टेस्ट करना स्टार्ट किया और रिजल्ट आउटपुट लेना स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट आते चले गए, ये एक्सपेरिमेंट करते गए। सात से आठ साल का एक्सपेरिमेंट रहा है इनका, लेकिन बर्थ इनकी हुई थी 1822, मेंडल 1822, और डेथ होती है 1884 में। बर्थ प्लेस मैंने कहा था ऑस्ट्रिया, इसका ध्यान रखना है, सिलीशियन विलेज में था। अब बात करते हैं इन्होंने जब अपना काम लिखा 1884 में, ड्यू टू किडनी फेलियर इनकी डेथ हो जाती है, जो कि हमने यहां पर डाल रखा है डेथ ऑफ मेंडल ड्यू टू किडनी फेलियर। मेंडल ने अपना वर्क जो पब्लिश किया था, दिक्कत क्या आई, इनको कोई नेम और फेम नहीं मिल पाया। इनको नेम ऑफ फेम क्यों नहीं मिला उस समय, इतनी बड़ी चीज इन्होंने लिखी, तो बहुत सारे कारण थे कि मेंडल को उस समय कोई नहीं जान पाया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल चीजें लिखी, लेकिन जिस न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल डाला था वो न्यूज़पेपर मेनली लोकल कहा जा सकता है, जिसकी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेडिंग नहीं थी, जिसके बारे में सबको जानकारी नहीं थी। इसके बाद और बात करते हैं, इन्होंने जो अपने टॉपिक का नाम लिखा था दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऐसा नाम लिखा, इन्होंने जेनेटिक्स नाम नहीं डाला था। ठीक है, क्या हुआ, ये सब इनकी डेथ हो जाती है, किसी का ध्यान इनके पास नहीं गया। फिर अचानक से 1900 में तीन साइंटिस्ट, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवेरिस एंड टिस्मार्क, तीन साइंटिस्ट इनकी चीजों को रीडिस्कवरी कराते हैं। इन 1900 रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, और दूसरी चीज इन 1901 रीपब्लिशिंग ऑफ मेंडल्स वर्क। 1900 में वापस रीडिस्कवरी होती है और 1901 में उसको पब्लिश किया जाता है। तीन साइंटिस्टों ने रीडिस्कवरी कराई, लेकिन रीपब्लिशिंग का श्रेय केवल किसको गया, ह्यूगो डिवेरिस। इसको ध्यान रखना है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन में तीनों आएंगे और आप ऑल ऑफ दीज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। रीपब्लिशिंग इंटरनेशनल फ्लोरा न्यूज़पेपर जो था उसमें ह्यूगो डिवेरिस ने करवाया था, और उसके बाद इनका जो नाम निकला दैट इज अ ग्रेट नेम, फादर ऑफ जेनेटिक्स नेम्ड एज मेंडल। मरने के बाद इनको नेम और फेम दोनों मिला। अब मेंडल की बात कर ही रहे हैं तो ध्यान से देखना, व्हाई मेंडलिज्म वर्क वाज हिडन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल का इतने लंबे समय के लिए इनकी कार्यों का छुपा रहना, इनके काम को किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। सच्चाई है, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन चलते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग, भाई इसने इतना बड़ा काम किया, इसने कहीं ना कहीं लिखा, क्यों नहीं किसी का ध्यान गया। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। फर्स्ट, मेंडल वर्क वॉज वेरी मच अहेड ऑफ टाइम। उस समय के हिसाब से मेंडल का काम बहुत ऊपर था, जो सबकी समझ के बाहर था। सेकेंड, यूज ऑफ मैथमेटिक एंड स्टैटिक्स।
उस समय मेंडल ने स्टैटिक्स और मैथ का यूज किया था जो और किसी को समझ में नहीं आता था, इसलिए भी इनके फेलियर का एक रीजन रहा है। नेक्स्ट, द जनरल इन विच वर्क वॉज पब्लिश दैट हैज लिमिटेड सर्कुलेशन। मैंने अभी आपको बताया था जिस न्यूज़पेपर में ये अपने आर्टिकल्स डालते थे उसकी सर्कुलेशन बहुत कम थी, लिमिटेड थी, जिसको कोई नहीं जानता था, इसलिए इनके वर्क जो पब्लिश होते गए उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ही वॉज अनेबल टू प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर। इन्होंने अपनी जो जीन और फैक्टर के बारे में लिखा था कोई प्रूफ नहीं दिया, क्योंकि उस समय इनकी बातों किसी ने ध्यान नहीं दिया, पीछे से इनकी डेथ हो जाती है, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, इसलिए भी उस समय किसी ने ध्यान इनकी बातों पर नहीं दिया। ही हिमसेल्फ वॉज नॉट श्योर अबाउट हिज वर्क। कहते ना कभी कभार हम कुछ काम करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ये चीज अभी ठीक नहीं हुई, क्या पता आपने बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन मन में अंदर से डर आता है कि हमने ये काम अच्छा नहीं किया, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे, वो ही इज ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट हिज वर्क। एंड लास्ट, पॉपुलरिटी ऑफ चार्ल्स डार्विन। एक तो चीज ये भी है, कभी कोई फिल्म आती है और फिल्म रिलीज होती है तो मेनली आपसे अगर मैं पूछूं तो आपको जो आपका फेवरेट हीरो होगा उसकी भी फिल्म आ रही होगी और दो और इंस्पिरेशनल मूवीज आ रही हैं। हमारा ध्यान पहले किस पे जाता है, जो हमारा फेवरेट है, ये नहीं आता फिल्म कैसी होगी। हीरो अच्छा है, हीरो का नेम फेम है, हम उसको जानते हैं, तो वो फिल्म भी अच्छी होगी, लेकिन ये नहीं पता कि दूसरी वाली फिल्म मोटिव है या उसके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, इसको हमें नहीं देखना, क्योंकि हमें पता उसमें तो हीरो हीरोइन का पता ही नहीं है। दिमाग में यही स्ट्राइक करता है सबसे पहले थी, वही दिक्कत इनके साथ भी हुई। इन्होंने जब अपना लिखा था उस समय डार्विन उस समय के हीरो थे। डार्विन अपनी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज दैट इज नेचुरल सिलेक्शन लेके आए थे और सारे साइंटिस्ट इनके नेचुरल सिलेक्शन को देखने में रह गए। उस चीजों की मेरिट्स, डीमेरिट्स, इन सब चीजों को ठीक ठाक करना या उनकी मेरिट्स निकालना, डीमेरिट्स निकालना, सारे इनकी तरफ उलझ गए, तो किसी का ध्यान मेंडल की तरफ नहीं गया। तो ये चीजें थी। अगर आप बोर्ड में आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको आंसर्स भी बिल्कुल सटीक लिखना पड़ेगा ताकि आप 100 out of 100 गेन कर सकें। जब कभी भी कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया करिए तो ये सोच के करो कि इस सब्जेक्ट में हमारी मास्टरी होनी चाहिए। और वन ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट इज बायो। हमेशा से बेस्ट सब्जेक्ट ही रही है और बेस्ट बना के रखना, क्योंकि इससे आसान और कुछ नहीं है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या आया, मेंडल ने पी प्लांट लिया, क्यों लिया पी प्लांट, और भी तो प्लांट ले सकता था। नहीं, मेंडल को हमें जिस चीज में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर उसमें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हमारे हिसाब से रहा तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, इजी टू कल्टिवेट, आराम से उसकी हम कल्टिवेशन कर सकते थे, शॉर्ट लाइफ स्पेन, कम टाइम में अच्छा रिजल्ट देना, मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आए, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग आना स्टार्ट, मतलब रिजल्ट अच्छा दिखेगा, हम अगले टेस्ट उसमें और कर सकेंगे, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेटेड, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड, क्यों, क्योंकि फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ये चीज भी आप नोट करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो सेल्फ पॉलिनेशन तो कर ही सकता था, एज वेल एज आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते थे, एज वेल एज आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, हम आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें करा सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट, पर्टिकुलर कैरेक्टर, जो इनके कैरेक्टर्स आए थे बच्चे वो पहले आए थे 34, फिर ये कन्वर्ट हुए 22 कैरेक्टर्स, एंड लास्टली इट बिकम 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फर्स्टली 34 कैरेक्टर्स, देन 22, एंड लास्ट पे आए हम 7 कैरेक्टर्स पे। उम्मीद होगी आपको ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स क्या क्या लिया था। 7 कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में देखो एक वर्ड आता है डोमिनेंट और दूसरा वर्ड आता है रेसेसिव। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, रेसेसिव कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, दोज कैरेक्टर विच हाइड दैट इज रेसेसिव एंड दोज कैरेक्टर विच डोमिनेट दैट इज डोमिनेंट।
अब सेवन कैरेक्टर्स लिया है तो बात तो करनी पड़ेगी। देखिए जो सेवन कैरेक्टर्स लिया था वो अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे आए थे, मेनली ये दिख रहे हैं। फर्स्ट इज हाइट, फर्स्ट हाइट। अगर हाइट की मैं बात करूं तो फर्स्ट आता है टॉल और छोटा वाला आता है ड्वार्फ। टॉल को हम लिखते हैं कैपिटल टीटी और ड्वार्फ को लिखते हैं स्मॉल टीटी। सेकंड, कलर ऑफ फ्लावर, अगर मैं कलर ऑफ फ्लावर की बात करती हूं तो फ्लावर के दो कलर दिखाई देते हैं, पर्पल एंड व्हाइट। यहां पे हम लिख देते हैं दैट इज वायलेट एंड व्हाइट, पर्पल एंड व्हाइट, या फिर वायलेट और व्हाइट कहते हैं। और इनकी अगर मैं लेबलिंग करूं या फिर वायलेट लिख देते हैं आप लेबल, मैंने इसको आरआर से कर देती हूं, आरआर एंड स्मॉल आरआर। कलर के बाद हमारा नेक्स्ट आता है शेप ऑफ सीट, शेप ऑफ सीट। शेप ऑफ सीट की अगर मैं बात करूं तो वर्ड इज राउंड एंड रिंकल्ड। इसको मैं अगर इरेज, एक बार इरेज कर देते हैं, वी वी एंड स्मॉल वी वी, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड को कैपिटल आर आर, स्मॉल आर आर। देन शेप ऑफ सीट, अब ये देखो राउंड का मतलब है ये पूरा ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राउंडेड स्ट्रक्चर पूरा दिखाई दे रहा है। रिंकल्ड का मतलब है ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन, पोजीशन या तो एक्सियल आएगी या फिर टर्मिनल आएगी। डोमिनेंट इज एक्सियल, दैट इज कैपिटल ए ए, और इधर आएगा स्मॉल ए ए। पोजीशन के बाद अगर मैं बात करूं आपका टॉल प्लांट, एक्सियल, राउंड, पर्पल। नेक्स्ट अगर हम पॉड की बात करते हैं तो शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, पॉड की शेप अगर आपसे पूछे तो या तो इनफ्लेटेड या तो श्रिंक्ड हो जाएगा, श्रिंक्ड, दैट इज कैपिटल आई आई एंड स्मॉल आई आई। देखो हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये जो टर्म्स लिखवाए जा रहे हैं आपको ऐसे ही क्रॉस बनवाने हैं। नेक्स्ट आपका देखो सेवन कैरेक्टर्स में से 1 2 3 4 5, अब हमारा बाकी रह गया दो पार्ट्स में, एक तो पॉड का कलर और दूसरा पॉड का मतलब है वो जो आप छिलका पी का लेते हो कवर, दैट इज वो कैसा दिखाई देता है। अब उस पॉड का कलर, कलर ऑफ पॉड अगर आपसे पूछा जाए तो डोमिनेंट इज ग्रीन एंड रेसेसिव इज येलो, तो ग्रीन को कैपिटल जी जी और येलो को स्मॉल जी जी। जबकि अगर मैं लास्ट टर्म बात करूं तो कलर ऑफ सीड आता है, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड में डोमिनेंट अगर आपसे पूछे तो येलो और रेसेसिव आपसे पूछे तो ग्रीन। अब इसको हम लिखेंगे कैपिटल वाई वाई और इसे लिखेंगे स्मॉल वाई। सीड का मतलब यहां पे कॉटलीडन से है, जो अंदर उसके दाने हैं, जो कॉटलीडन है उसका कलर कैसा है, तो डोमिनेंट येलो है और रेसेसिव क्या है, ग्रीन पार्ट है। इस तरह से सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारा कंप्लीट होता है। मेंडल ने इसके हिसाब से अलग अलग क्रॉस दिए हैं, मेंडल ने जो क्रॉस दिए हैं वो क्रॉस के अलग अलग टर्म्स आते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। इन्हीं में से हम एक एक करके आज क्रॉस करने वाले हैं, और उन क्रॉस को पढ़ने से पहले एक बार फिर से देख लो, सेवन कंट्रास्टिंग में वन इज डोमिनेंट एंड नेक्स्ट इज रेसेसिव फॉर्म। डोमिनेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले और रेसेसिव जो अपने आप को हाइड करा ले। हाइट इज टॉल एंड ड्वार्फ, कलर इज पर्पल एंड व्हाइट, शेप इज राउंड एंड रिंकल्ड, पोजिशन इज एक्सियल एंड टर्मिनल, शेप ऑफ पॉड इज इनफ्लेटेड एंड श्रिंक्ड, वाइल कलर ऑफ पॉड इज येलो एंड ग्रीन, एंड कलर ऑफ कॉटलीडन इज येलो ग्रीन, और इधर कलर ऑफ पॉड डोमिनेंट इज ग्रीन,
ये आपने किया है, डोमिनेंट हमारा ग्रीन था और रेसेसिव हमारा येलो था। क्लियर आता है? अब हम इसमें नेक्स्ट, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हम करने वाले हैं पहला क्रॉस। जो पहला क्रॉस है, दैट इज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक कैरेक्टर की स्टडी। आइए चलिए लेते हैं फर्स्ट। हम ध्यान से देखना, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं लिखती हूं जीनोटिपिक सीक्वेंस। जीनोटिपिक सीक्वेंस, जीनोटिपिक सीक्वेंस में मैंने लिया टॉल प्लांट, एक कैरेक्टर ले लिया, क्रॉस विथ ड्वार्फ प्लांट। टॉल इज लंबा, ड्वार्फ छोटा। अब इसकी अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, टॉल को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी टी, और ड्वार्फ को क्या लिखोगे, स्मॉल टी टी। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट, गैमेट और एलिल। गैमेट और एलिल, गैमेट और एलिल अगर आपसे पूछे, एक बड़ा टी एक छोटा टी। अब इसके बाद हमारा आता है एफ वन जनरेशन। एफ वन जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो आपका आता है दोनों मिक्स कर गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर आपसे एफ टू जनरेशन की बात कर लेते हैं तो ये होता है सेल्फ क्रॉस, टी टी क्रॉस विथ टी टी, और इसे हम लिखते हैं सेल्फ क्रॉस। देखो क्रॉस तो बहुत आसान है, बॉक्स बनाया, दैट इज चेकर स्क्वायर और पनेट स्क्वायर। वन इज कैपिटल टी, नेक्स्ट इज स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो इसको भी हमने ले लिया और इसको भी ले लिया, अब दोनों को कंबाइंड लिखेंगे टी टी। इन दोनों को कंबाइंड करते हैं, इन दोनों में डोमिनेंट पहले आएगा, रेसेसिव पीछे से आएगा, और लास्ट में दोनों हो गए रेसेसिव। अब बच्चे दो तरह की रेशियो होती है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। जो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फिनोटिपिक, और जो जेनेटिकली कैरेक्टर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं जीनोटिपिक सीक्वेंस। अब फिनोटिपिक में अगर मैं बात करूं, देखो टी टी दैट इज डोमिनेंट, ये भी है टी और टी, इसको भी टॉल प्लांट बोलेंगे और टी और टी इसको भी टॉल बोलेंगे, केवल ये वाला जो है छोटा वाला इसी को हम रेसेसिव बोलेंगे। इसका मतलब थ्री डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव, थ्री रेशियो वन। लेकिन जेनेटिकली देखें, ये वाला प्योर टॉल है, ये दोनों हाइब्रिड हैं और ये प्योर ड्वार्फ है, इसका मतलब टी टी रेशियो टू टी टी रेशियो स्मॉल टी टी, आंसर क्या आया, वन रेशियो टू रेशियो वन। जीनोटिपिक जो रेशियो आई वो वन रेशियो टू रेशियो वन आ गई। अब इसके बाद अगर हम आपसे रैशनल नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो रैशनल नंबर में आप कैसे लिखेंगे, टी टी इज रिटन एज वन बाई फोर, टी और टी इज रिटन एज टू बाई फोर, एंड नेक्स्ट स्मॉल टी टी इज रिटन एज वन बाई फोर, इसे हम लिख सकते हैं वन बाई टू। आप यहां पे देखिए, ये 1/4 एक बार लिखा है, ये दो बार लिखा है और ये एक बार लिखा है। और अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछ लूं बेटा, इसका आंसर बहुत आसानी से, इट इज 25%। ये दो बार लिखा है इसलिए 50%, और ये एक बार लिखा है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, 25%। और इस तरह से आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, आप बहुत आसानी से फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकाल के दिखा दोगे। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:1। यहां तक क्लियर आया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, इसको कंक्लूड अगर किया गया तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसे कंक्लूजन आया और क्या कंक्लूड किया गया,
इसके बेसिस पे तीन पॉस्टुलेट्स आए थे। वैसे तो चार पॉस्टुलेट थे, एक पॉस्टुलेट डाई हाइब्रिड पे है, बाकी तीन पॉस्टुलेट मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे है। आइए अब हम पढ़ते हैं कॉन्क्लूजन्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर हमारा स्टार्ट हुआ था तो वो 1:2:1 इज जीनोटिपिक रेशियो एंड 3:1 इज फिनोटिपिक रेशियो। अब इसके बेसिस पे क्या क्या कॉन्क्लूजन्स दिए गए थे। कॉन्क्लूजन में बच्चे आता है फर्स्ट कॉन्क्लूजन, दैट इज पॉस्टुलेट। वैसे तो चार पॉस्टुलेट हैं। पॉस्टुलेट आपका आता है फर्स्ट यूनिट फैक्टर, सेकंड आता है हमारा डोमिनेंस के लिए, थर्ड आता है सेग्रीगेशन के लिए और फोर्थ आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स के लिए। लेकिन इनमें हमने तीन मोनो हाइब्रिड के क्ल्यूज पे हैं और एक डाई हाइब्रिड पे है। तो मोनो हाइब्रिड के जो क्ल्यू पे है, दैट इज फर्स्ट कॉन्क्लूजन इज पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। कहता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर, एक डिस्क्रीट यूनिट होती है जो उसको रेगुलेट कराती है, दैट इज नोन एज फैक्टर, उसे हम फैक्टर कहते हैं। और ये फैक्टर्स कहाँ से आते हैं, तो एक मेल पार्ट से आता है और एक फीमेल से। जब दोनों कंबाइन करते हैं इट फॉर्म अ जायगोट और इससे एक न्यू इंडिविजुअल और लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। सेकेंड कंक्लूजन इज पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। नाम देख के पता चल गया और इसको कई बच्चे ये समझते हैं इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। नहीं, इट इज नॉट द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है और किसी भी चीज का अगर एक्सेप्शन होता है तो वो लॉ नहीं बन सकता। इसलिए फर्स्ट लॉ इज नेम्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकेंड लॉ इज नेम्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मेनली डोमिनेंट कैरेक्टर हाइड द इफेक्ट ऑफ रेसेसिव फॉर्म, यही इसका मेन एस्पेक्ट है। व्हेन टू पेरेंट विद कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, दो पेरेंट्स को जब आप क्रॉस करते हैं, दो पेरेंट्स का मतलब है टॉल प्लांट क्रॉस विथ ड्वार्फ प्लांट, देन इन F1 हेट्रोजाइगस, F1 में ये आ गया हेट्रोजाइगस फॉर्म एंड अदर विल बी, इसमें क्या आता है हेट्रोजाइगस विल बी डोमिनेट फॉर्म एंड अदर विल बी, इसमें से एक डोमिनेंट कहलाया और एक रेसेसिव कहलाया। तो एक कैरेक्टर डोमिनेंट चला जाता है और दूसरा कैरेक्टर रेसेसिव पे चला जाता है, इसलिए इसे पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और इसके एक्सेप्शन, बिकॉज इट इज नॉट यूनिवर्सल, इसका एक्सेप्शन आया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड कंक्लूजन, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स मेनली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, इसको ध्यान देना। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर रैंडमली सेग्रीगेट एंड ट्रांसफर इनसाइड द डिफरेंट गैमेट्स। बच्चे इसमें सिंपल से है, जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो प्योर अलग हो जाते हैं और हाइब्रिड अलग हो जाता है। ये प्योर अपने आप को सेग्रीगेट, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जब गैमेट्स बनना स्टार्ट करती हैं उस टाइम पे डोमिनेंट कैरेक्टर एक तरफ चले जाते हैं, रेसेसिव एक तरफ और हाइब्रिड एक तरफ हो जाते हैं। तो मेनली यहां पर यही लाइन कह रहा है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो जो ये फैक्टर्स हैं दे आर सेग्रीगेट एंड ट्रांसफर इनसाइड, ये फैक्टर अपने जो कैरेक्टर और जीनिक जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं ये अपने अपने जेनेटिकल फॉर्म में दूसरे के अंदर, मतलब गैमेट्स के अंदर चले जाते हैं। एंड ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर ऑफ अ पेयर सो गैमेट्स आर प्योर फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। जब अगर मैं एज अ फीमेल की बात करूं XX, तो हमारी गैमेट एक फैक्टर के पास X पहुंचा और एक के पास मेल वाले में भी X या Y पहुंचा और वो प्योर पहुंचे, तो दैट कैरेक्टर और वो एक एक ट्रेट कंप्लीटली रखा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर इसी को हम बुलाते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास बच्चे नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वहां पे हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ प्लस मोनो हाइब्रिड के क्वेश्चंस के साथ प्लस ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जिसमें फॉर्मूलास करवाएंगे जिससे जेनेटिक्स के डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आगे फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।